व्यवस्था न दिए होते, महिलाओं के लिए आरक्षण में अधिकार न दिए होते, तो आज मुझे सांसद बनकर आपके बीच में बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं अगर आज सांसद हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान एवं आरक्षण के तहत हूं। और एक बात मैं साफ कह देना चाहती हूं कि लोग कहते हैं सावित्री बाई फूले भाजपा की हैं। भाइयों बहनों, मैं भाजपा की नहीं हूं, मैं बहुजन समाज की बेटी हूं। अगर आज सांसद हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत सांसद हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दिया था, उस समय भी उनका एक सोच था कि भारत के संविधान के तहत आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाएं जब सांसद विधायक चुनाव जीत करके आरक्षण के तहत लोकसभा विधानसभा में पहुंचेंगे, तो लोकसभा में पहुंच करके भारत के संविधान को लागू कराएंगे, आरक्षण को लागू कराएंगे और बहुजन समाज का जो दिया गया अधिकार संविधान में है उसको संपूर्ण रूप से वो लागू कराने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लोग सांसद विधायक आरक्षण के बदौलत संविधान के बदौलत जो जीत करके लोकसभा विधानसभा में पहुंचते हैं वो तल के तलवा चाटने के लिए पहुंचते हैं, वो बहुजन समाज की बात संविधान के आरक्षण की बात नहीं करते हैं। मैं तो कहना चाहती हूं कि जो लोग सांसद विधायक बनकर के लोकसभा विधानसभा में पहुंचे हैं वो संविधान आरक्षण को लागू कराएं, बहुजन की बात लोकसभा विधानसभा में उठाने का काम करें, दल का तलवा चाटना बंद कर दे, और वरना दल का तलवा चाटते चाटते भारत के संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक भारत का संविधान लागू तो हुआ लेकिन केवल संविधान का ढांचा लागू हुआ, संविधान में दिया गया कानून बहुजन समाज के लिए आज तक लागू नहीं किया गया। भाइयों बहनों, भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान अगर कहीं का है तो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। इसलिए देश की आजादी से लेकर अब तक संविधान जब से लागू हुआ तब से लेकर अब तक भारत का संविधान इसलिए लागू नहीं हुआ कि भारत के संविधान को लागू करने वाला व्यक्ति बहुजन समाज का नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज का हो गया होता तो भारत का संविधान अब तक लागू हो गया होता। मैं तो कहना चाहती हूं, लोग कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं, लोग कहते हैं हम अंबेडकरवाद हैं, हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। मैं भी आप पूछना चाहती हूं कि क्या आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं? एक बार हाथ उठाकर आप लोग बताइए, हम लोग मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के बहुजनों के लिए कहा भी था, उन्होंने कहा था एक हाथ में भारत का संविधान लिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के लोकसभा की तरफ अंगुली उठा करके बहुजन समाज के लोगों को बता भी रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग देश में सबसे ज्यादा आबादी इस देश का 85% बहुजन समाज का है। आप सभी लोग संगठित होकर के और दिल्ली के
लागू हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश में 1,25,000 से अधिक बहुजन समाज का मूवमेंट चलाने वाले संगठन लोग चला रहे हैं, लेकिन एक मंच पर कभी आने को तैयार नहीं है, कभी एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताना चाहती हूं कि अगर तैयार नहीं है और 2019 में अगर हम सभी लोग तैयार होकर एक मंच पर आकर के ये 3% विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ अगर तैयार होकर के और 2019 में हमने रोकने का काम नहीं किया, तो जो संविधान में दी गई व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करने की साजिश हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि आरएसएस का प्रमुख बोलता है हम संविधान की समीक्षा करेंगे, बीजेपी का मंत्री बोलता है हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, राज्यसभा सांसद बोलता है बीजेपी का सुब्रत स्वामी कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। भाइयों बहनों, लोकसभा चल रही है, लोकसभा 9 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था में भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, भारत का संविधान के तहत देश चलना है। आज संविधान का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, डॉक्टर अंबेडकर का नारा मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, आरक्षण मांगने वालों को जूता मारो सालों को कहकर अपमान किया गया, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, और जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया उनकी नागरिकता समाप्त क्यों नहीं की गई, जो लोग संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नियत संविधान के प्रति साफ नहीं है। हमारे समाज
की मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का अगर सपना देखा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत देखा है। हमको आपको चुप नहीं रहना है, हमको आपको चुप नहीं रहना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में संविधान समीक्षा की समिति बनाए थे और जैसे मानवर कांशीराम साहब को पता चला कि संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, वैसे मानवर कांशीराम साहब ने अपने बहुजन समाज के लोगों से मिलकर के और उन्होंने एक ओर से अटल की सरकार गिराने का काम किया था। मैं मानवर कांशीराम साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बेटी हूँ। जैसे मुझे पता चला कि ये संविधान की तरफ उंगली उठाने की ये जुर्रत कर रहे हैं, वैसे मैंने लोकसभा में इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, हमारी बात को नहीं माना तो मैंने सड़क पर आंदोलन भी छेड़ दिया। क्या करेंगे हमारा, क्या करेंगे हमारा, जेल भेजेंगे? मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, अपने भारत के संविधान के लिए, बहुजन समाज के लिए, अगर फांसी के तख्तों पर भी मुझे जाना पड़ेगा हम तैयार हैं, लेकिन संविधान आरक्षण समझौता नहीं करेंगे। संविधान आरक्षण के को हाथ लगाने की जुर्रत करने वाले लोगों को हम रोकने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग टिकट पाते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं, तलवार चाटते रहते हैं और अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समाज को भूल जाते हैं। सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम सांसद विधायक जीत कर गए, आज उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो देश के दुनिया को संदेश देने का काम किया, आज बहुजन समाज के लिए, इस देश के दलित पिछड़ा अनुसूचित और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो योगदान बाबा साहब ने दिया है, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। हमको इसकी तैयारी करनी होगी, हमको इसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए भाइयों बहनों, जब हमारा बहुजन समाज नौकरी की मांग कर रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है, रोटी की मांग कर रहा है, संविधान की मांग कर रहा है, आरक्षण की मांग कर रहा है, तो ये बहुजन समाज के दुश्मन ये मंदिर की मांग कर रहे हैं, ये नाम मंदिर की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से 92 में मानवर कांशीराम साहब जी ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए पिछड़ी जातियों का आरक्षण 52% मिले, उन्होंने जब मांग किया था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बीपी सिंह पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब इन्हीं पैमानों ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से कमंडल उठा लिया और मंदिर की तरफ कूच कर गए। हमारे पिछड़े जाति के लोग नहीं समझ पाए, पिछड़ी जाति के लोग नहीं समझ पाए, आस्था के नाम पर मंदिर की तरफ कूच कर दिया। मानवर कांशीराम साहब ने फिर भी नहीं माना, उन्होंने अपना इन बेईमानों ने लोग सुप्रीम कोर्ट में रीट कर दिया, मानवर कांशीराम साहब ने अपना बैरिस्टर खड़ा कर दिया, बहस कराया और जब यहां पर देश का बहुजन आंदोलन कर रहा था उस समय इस देश का 3% प्रावधान आगजनी कर दिया था, उस समय भी आगजनी कर दिया था। आज देश का बहुजन संविधान आरक्षण को लेकर पूरे देश में मांग कर रहा है, तो इस देश का 3% प्रावधान जो इस देश का रहने वाला नहीं है, ये मानेगा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में लिखा है कि आज विदेशी है। ये वही लोग बहुजन का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो हमारे देश का रहने वाले नहीं है। हमारे देश के बहुजन पर ये गुलाम बना करके देश पर राज करना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग मिल करके, मैं तो कहना चाहती हूँ कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी
चाहती हूँ क्योंकि समय कम है और सभी को बोलना है, इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ कि पिता तो बुजुर्गो, मैं माँ बाप बहनों भाइयों, अब मैं सांसद रहूँ या न रहूँ, मैं सांसद रहूँ या न रहूँ, लेकिन भारत के संविधान को अब हम लागू कराने के लिए मैंने भी कमर कस लिया है। पूरे भारत में मैं आंदोलन करूँ, कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब भारत के संविधान, आज देश की सरकार, अब भारत के संविधान के तहत यह सरकार चलती है, अब भारत के संविधान को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमने भी ऐलान कर दिया है, हमने भी तय कर लिया है, अब मैंने भी जो भी कुछ होगा हम उसके लिए तैयार है, लेकिन संविधान को लागू होना चाहिए। केवल नाटक नहीं चलेगा, नौटंकी नहीं चलेगी, बात नहीं सुनेंगे, हमको संविधान चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर हमारा नहीं है, मंदिर तो बहुजन समाज का गुलामी का घर है, जो लोग को मंदिर चाहिए वो गुलामी में जाएंगे, जिसको संविधान चाहिए वो नीचे से ऊपर हुकुमरान बनने के लिए तैयार होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को समर्थन मांगने के लिए आई हूँ, क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग साथ देंगे? आप सब लोग साथ देंगे? भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये हमेशा बाबा साहब के संविधान दिवस, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है और कल ये 25 नवंबर को एक दिन पहले ये संविधान की धज्जा उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये मनोस्मृति को मानते हैं, ये मनोस्मृति को मानते हैं, मनोस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान के तहत चलो वरना कुर्सी खाली करो, ये जो चाहोगे वही नहीं होगा, संविधान के तहत चलेगा। आपने कल आपने बुला करके संविधान दिवस का आपने धज्जी उड़ा दिया, संविधान का अपमान करने का कोशिश कर रहे हो, आज सरकार संविधान, आज सरकार की तरफ से संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मनाया गया? ये भी साजिश है, ये साजिश है, ये आरएसएस का प्रमुख, ये 4 साल बीत गया तब मंदिर की बात नहीं हुआ, अब चुनाव आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंदिर की तरफ मोड़ रहे दिमाग। आरक्षण संविधान जो लोग बहुजन समाज मांग कर रहा है, ये राम मंदिर की तरफ मोड़ रहे हैं, हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। मैंने भी तय कर लिया है कि अगर तुमने 25 नवंबर को तुमने अयोध्या की तरफ कूच किया है, तो हमने भी तय कर लिया है कि 23 दिसंबर को भारत के सबसे बड़ा प्रदेश लखनऊ के रमाबाई पार्क में भारत के संविधान को लागू करने के लिए मैंने भी कूच करने के लिए पूरे देश के बहुजन समाज को बहुजन समाज के लोग, आप सभी पिता के बुजुर्ग, आज हमारी मातृशक्ति, आज हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, अब हमको संगठन सब लोग चलाए, एक दूसरे के भाई के साथ जो मूवमेंट हमारा है वही मूवमेंट आपका है, अब हम सब लोग मिल करके और हम लोग कूच करेंगे, संविधान को लागू कराने की बात करेंगे। कहते कैसे होगा, कैसे होगा? अरे 2 अप्रैल को 5% बहुजन समाज सड़कों पे उतरा, सरकार डर गई, झुक गई, उन पर जो लोग आरक्षण संविधान विरोधी है उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और जिस दिन देश का 85% मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, मातृशक्ति संविधान को लागू कराने के लिए सड़कों पे उतरेंगे, उस दिन देश का 3% बाबा हमारे देश के बहुजन का वो गुलाम होगा, हम इस देश के हुक्मरान होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए आई हूँ कि क्या 23 दिसंबर को आप लोग चल सकते हैं क्या? 23 दिसंबर को लखनऊ चलेंगे, 23 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई पार्क हम लोगों ने वहाँ स्थान रखा है। मैं अपने सभी पिता तो बुजुर्गों, माता बहनों भाइयों को और अपने केपी चौधरी साहब को, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं आंचल फैला करके भारत के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए मैं आपका समर्थन चाहती हूँ, आपका सहयोग चाहती हूँ। आए पिता तो बुजुर्ग, आए हमारी मातृशक्ति, आए हमारे भाइयों, आप सभी लोग मिल करके और 23 दिसंबर को भारी संख्या में लखनऊ के तरफ
एक बार हाथ उठाकर आप लोग बताइए पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचेंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आपको कह देना चाहती हूँ क्या पिता पुरु बुजुर्गो, मैं कह देना चाहती हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य नहीं, विधायक नहीं, सांसद हूँ। अब मैं रहूं या पद पर ना रहूं, मैंने तय कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी मेरे नाम से 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे ना रहने के बाद उस पैसे से कफन खरीदा जाए। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उतना भी जमीन नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस जमीन पर मुझे दफन किया जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। पूरा जीवन मैं बहुजन समाज के बीच बहुजन समाज के लोगों को जगाने में लगाऊंगा। और भाइयों बहनों, जो लोग ये सोचते होंगे सावित्रीबाई फुले तो भगवा पहनी है, ये भगवा पहनी है, ये भगवा नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। मैं बचपन से तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। मैंने अपना बहुत ध्यान करवाया है, मैं बहुत ध्यान में रखती हूँ। मैं गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। और जब तक कि भारत ये बुद्ध का भारत था, बुद्ध का भारत है और बुद्ध का भारत बना करके ही हम लोग मिलकर हम छोड़ेंगे, ये मैंने भी प्रण किया है। इन्हीं शब्दों के साथ दुनिया दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, जीती हूँ मैं सांस से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान से। अगर बाबा साहब आए होते तो हमारा नहीं होता। मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान करते घर से निकल जाइए। ये संविधान तो बाबा साहब का है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की कसम, भारत के संविधान की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रीवा की घाटी बदलेगी, संसद का मुहाना बदलेगा। आए बहुजन समाज के लोग, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग 23 दिसंबर को लखनऊ रमाबाई पार्क में कूच करेंगे, तब हमारा आपका जमाना बदलेगा, तब हमारा आपका जमाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जन्म में सौ के शहादत को क्या पूछिए, जन्म में सौ के शहादत को क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां कतलूं, कातिलों के मोहल्ले में खट ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में खट ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।